गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसे हम लूपिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन कल हम लोग सिर्फ व्हाइल और डू व्हाइल और स्विच स्टेटमेंट्स ही देख पाए थे। आज उसी के आगे के पार्ट्स को हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। ओके, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सर? अभी लोडिंग हो रही है। नहीं। ओके, अभी दिख रही? यस सर, अब दिख रही। ओके, तो चलिए आज हम लोग, चूंकि कल हमने वाइल्ड लूप देख लिया था, डुअल भी कल देख लिया था हम लोगों ने, आज हम लोगों को देखना है फॉर लूप। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। जैसे व्हाइल और डू व्हाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करते थे, उसी तरह से हम फॉर लूप को भी एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनमें सभी कंडीशंस अलग अलग हो जाती थी। जितने भी स्टेप्स होते थे वो अलग अलग होते थे। इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता था, फिर कंडीशन होती थी, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कांसेप्ट आता था। लेकिन फॉर लूप के साथ क्या होगा, एक ही लाइन पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो हम इसमें जितनी टाइम अपने लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम कंडीशंस को यहां पर सेट करते हैं। सिंटैक्स है, सबसे पहला है इसमें इनिशियलाइजेशन। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जिस वेरिएबल के थ्रू इस लूप को आगे लेके जाना चाहते हैं उसे आप लोग इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम यहां पर, क्योंकि पीएचपी में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उस पर क्या लगता है, डॉलर साइन लगता है और वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल आपको लेना है, इक्वल टू मान लीजिए उसको एन से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर दूसरा है कंडीशन। अब आप कितनी बार अपने लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कंडीशन देते हैं। सपोज दैट नम greater than r equals to 10, नम की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली लूप को टर्मिनेट। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है डॉलर नम प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका, फर्स्ट टाइम नम की वैल्यू 1 रहेगी, सेकंड टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से करते हुए चली जाए। और डिक्रीमेंट के केस में क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता, मतलब वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, फिर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे यहां पर रखते हैं। ओके, अब
एक फिगर के थ्रू देखिए, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और अपडेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है इसकी क्या, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला काम इनिशियलाइज करें, जब तक इनिशियलाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं। इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद दूसरा जो स्टेप है इसका, कंडीशंस का, कंडीशन चेक करना। अब कंडीशन में यदि कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई, तीसरी पोजीशन, यदि फॉल्स हुई तो क्या करेगा, सीधे यहां से जाके बाहर कर देगा। और यदि ट्रू हो जाती है कंडीशन, यदि कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो क्या करेगा, सीधे ये यहां पर आ जाएगा और ये बॉडी ऑफ लूप है आपके पास, जो भी आप इसके अंदर लिखे होंगे उसे वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। इसके बाद यहां से वापस ये पांचवा नंबर है, पांचवा स्टेप हो जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब प्लस प्लस से माइनस, माइनस जो भी आप करना चाहेंगे। और यहीं से अगर होगा तो फिर कंडीशन फिर चेक करने चलाएगा छठवां नंबर, अगेन कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएगा, और यदि फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाके इसको आपको सीधे बाहर ही कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सातवां स्टेप, मतलब ये सेवन स्टेप्स में फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। सभी को देखिए अलग अलग इनिशियलाइज किया गया है। नंबर एक इनिशियलाइजेशन, पहले हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, इसके बाद उसकी कंडीशन चेक करते हैं, फिर कंडीशन यदि ट्रू है तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आएगा और लूप को, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद इंक्रीमेंट के लिए जाएगा, यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा, एंड देन अगेन कंडीशन चेक करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो डायरेक्टली क्या करेगा, सीधे आपको स्टेटमेंट्स आउटसाइड द लूप, आपके लूप से बाहर आपको कर देगा। ओके, फ्लो चार्ट है, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन यदि ट्रू है तो लूप बॉडी में जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो सीधे आपको बाहर कर देगा। ये इसका फ्लो चार्ट होता है। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली व्हाइल और डू व्हाइल के जो एग्जांपल्स थे उन्हें आप लोग इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं भी करना चाहते हैं तो मैं एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल तो बता ही रहा हूं। ओके, तो आप सबको पता है सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सर्वर को ऑन करना पड़ता है। तो चूंकि हम लोग जैम्प के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, इसलिए हमें ये जैम्प सर्वर आप लोगों को दिख रहा है, जैम्प कंट्रोल दिख रहा है आप लोगों को? नो सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है क्या? सर कंट्रोल पैनल दिख रहा है। हाँ, तो यही है जैम्प कंट्रोल पैनल, यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है। स्टार्ट करने पर ये रन होना लगा है। अब रन होने पर अगर इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। तो इस समय कौन सी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ब्राउजर। ब्राउजर, यहां पर क्या लिखते हैं कि सर्वर रन हुआ कि नहीं, तो लोकल होस्ट। ठीक है, और जैसे लोकल होस्ट आप करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ये डैशबोर्ड आ गया, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, अब चलिए प्रोग्राम की तरफ। तो अभी इस समय कौन सी स्क्रीन आपको दिख रही है?
इस समय आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिख रही है? नोटपैड दिख रहा है, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फॉर लूप का एग्जांपल है, फॉर लूप एग्जांपल, ठीक है, पीएचपी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेप्स है। आप ये कल का वॉइल लूप डू वॉइल लूप देख रहे हैं, एक स्टेप्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। लेकिन फॉर लूप के साथ क्या है, अब देखिए फॉर लूप के साथ क्या है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं फॉर और इसको इसमें बंद कर दिया। अब इन्हीं को मैं उठा के उसी तरह से रख रहा हूं जैसे वो यहां पर रखे थे। ये देखिए पहला स्टेप्स कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा स्टेप्स, तो कंडीशन अब चेक होगी। तो ये लीजिए यहां से दूसरा स्टेप उठा लेते हैं, ये लीजिए दूसरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप्स ये लीजिए, यहां से तीसरा स्टेप्स, ये फॉर, ठीक, फॉर एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू तब तक जब तक 10 से बड़ी या बराबर ना हो जाए और एक्स प्लस प्लस, ठीक है। और वेलकम टू एस आई सी एस, मैं फर्स्ट टाइम इसी को करा रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। एच थ्री के अंदर इसको रखे हुए हम लोग, तो देखिए ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसको सेव कर दिया हम लोगों ने, अब हम ब्राउजर की तरफ चलते हैं। लोकल होस्ट, पीएचपी प्रोग्राम और आपके प्रोग्राम का नाम डॉट पीएचपी, सॉरी कहीं कौन सी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ब्राउज़र आउटपुट दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करना चाहता हूं, नंबर के रूप में प्रेजेंट करना चाहता हूं, नंबर अपन प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, सिर्फ इको, ठीक है, और डॉलर जो मेरे पास वेरिएबल है एन, यहां पर हम मान लीजिए यहां एक्स लिए हुए हैं, ठीक है, और बी आर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन, ओके। अब देखिए इसको सेव करते हैं, अगेन ब्राउजर की तरफ चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में आप लोगों के, 1 to 10 आपको वैल्यू दिखने लगी। तो ये था फॉर लूप, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, चलते हैं आगे के पार्ट्स में। स्क्रीन आ गई है? यस सर। ओके, अब फॉर ईच लूप, द फॉर ईच लूप इज यूज टू ट्रवर्स द अरे एलिमेंट्स। ये बेसिकली क्या होता है, अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इट वर्क्स ओनली ऑन अरे एंड ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ काम किसके साथ कर सकता है, अरे के साथ कर सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता है। द फॉर ईच लूप वर्क्स ऑन एलिमेंट्स बेसिस रादर देन इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स के रूप में भी काम करता है और एलिमेंट के बेसिस पर भी काम करता है। इट प्रोवाइड्स एन एजिस्ट वे टू इटरेट द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, मतलब अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इससे ज्यादा इजी कोई भी लूप नहीं, इवन फॉर लूप भी नहीं है। इन फॉर ईच लूप वी डू नॉट नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर लूप में भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करिए तो डिक्रीमेंट करिए,
लेकिन फॉर ईच के साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमें इंक्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंटैक्स देखिए, फॉर ईच आर एच वैल्यू एंड देन इको, जो भी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी इंडेक्स पेज के लिए आप वैल्यू यहां पर रखें प्रिंट करने के लिए, उसको ये यहां पर रखता है। ठीक है, तो इसमें फॉर ईच लिखते हैं, अरे एक वेरिएबल है एच, उसकी जो वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए, अरे ऑब्लिक ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन जीरो, यदि फॉल्स होगा तो आपको बाहर कर देगा, और ट्रू होगा तो आपके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और कब तक, जब तक इटरेट्स आपका ट्रू रहेगा, मींस वैल्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक में जाके आपको बाहर कर देता है। तो ये फॉर ईच है, और इसका एग्जाम्पल, रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो अभी जस्ट इसके बाद हम लोग अरे का जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर फॉर ईच का आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूंगा कि फॉर ईच किस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक कीवर्ड इमीडिएटली एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप आर स्विच स्ट्रक्चर। कोई भी लूप या स्विच का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो स्विच कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो स्विच में आपने देखा होगा जैसे एक केस कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वहां से उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसी तरह से लूप को भी जहां हम ब्रेक करना चाहते हैं वहीं से इसके द्वारा उस लूप को भी ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रोग्राम के करंट फ्लो को एक स्पेसिफाइड कंडीशन के द्वारा, मतलब हम कंडीशन सेट करते हैं, इस कंडीशन के द्वारा हम उसके कंट्रोल को रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वहीं पर उस कंडीशंस को रोक देता है। द ब्रेक स्टेटमेंट्स कैन बी यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लूप। ये सभी प्रकार के लूप्स, जैसे कि आपका व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, फॉर ईच एंड आल्सो विद द स्विच केस, इन सभी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। सिंटैक्स है जंप स्टेटमेंट्स एंड द ब्रेक। ठीक है, कंडीशन है विद इन लूप, लूप के साथ इसकी कंडीशंस को सेट करते हैं, यदि ट्रू है तो ब्रेक कर देगा, अदर जब तक फॉल्स रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट उसको करता रहेगा। आइए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल, तो किस तरह से ब्रेक काम करता है, मान लीजिए आपके पास एक फॉर लूप है। ठीक है, इसी फॉर लूप पे इसकी वैल्यू, सपोज दैट आपने एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, और इसके बाद वैल्यू को 10 टाइम तक, मतलब नेचुरल नंबर 10 तक इसको लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो कितने टाइम प्रिंट हो रही है, 10 टाइम प्रिंट हो रही है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये वैल्यू 10 टाइम प्रिंट ना हो, एक कंडीशन दे रहे हैं, क्या कंडीशन दे रहे हैं, इफ डॉलर एक्स, जो भी वेरिएबल आप लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि एक्स ले, क्योंकि हमने यहां पे वेरिएबल एक्स लिया हो इसलिए मैं यहां पर एक्स ले रहा हूं, डिपेंड करता है आप जो वेरिएबल लेंगे उसी वेरिएबल की कंडीशन आप यहां पर सेट करेंगे। सपोज दैट मैं इसको रोकना चाहता हूं 5 पर, 5 से इसको ब्रेक करना चाहता हूं, तो एक्स की वैल्यू जब 5 हो तो ये क्या कर दे, उसको वहां से ब्रेक कर दे। ठीक है, ये लीजिए, ये ब्रेक, यहां से इसका स्टेटमेंट क्लोज हो गया और बाकी की कहानी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो 5 होगी तो वहां पर उसको ब्रेक करेगा,
बाकी स्टेटमेंट्स को उसी तरह से एग्जीक्यूट करते चला जाएगा। ठीक, तो आइए देखिए आउटपुट इसका कैसा आएगा। अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा वन, क्या रहा है आप लोगों को बताएंगे जरा? वन टू टेन, वन टू टेन। गौर से देखिए पूरे नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, कुछ मिसिंग? यस सर, पांच तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि पांच पे ब्रेक हुआ है। जी हाँ, क्योंकि लूप को हमने यहाँ पर फाइव से ब्रेक कर दिया है, तो इसका यही काम है कि हम स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि लूप को ब्रेक कर देंगे तो वहीं पर कंट्रोल को ब्लॉक करता है एंड द कर्सर मूव ऑन द प्रोग्राम टू नेक्स्ट पार्ट्स। ठीक है, वो नेक्स्ट प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट्स में चला जाता है। ठीक, तो ये है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे चले। अब यस सर, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी अभी हम ब्रेक करके आए, तो जब हम ब्रेक करके आए हैं तो एक हमारे दिमाग में बात उठ रही होगी कि सर क्या वो ब्रेक ही रहेगा, कभी आगे नहीं आएगा? तो आगे आएगा, उसके लिए हमारे पास है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। मतलब हम कंडीशन को सिर्फ वहां पर ब्रेक कर सकते, उसके आगे यदि मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं उसको कंटिन्यू भी उसी के आगे कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जहां पर हमने स्किप किया है उसको स्पेसिफाइड कंडीशन, जैसे मैंने आई की वैल्यू पांच, तो पांच को तुम स्किप कर दो और इसके बाद मुझे कंटिन्यू कर दो, तो ये क्या करेगा, वही जहां ब्रेक किया था, ब्रेक का जस्ट अपोजिट है, ब्रेक वहां पर रोक देता है, कंटिन्यू उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सिंटैक्स देखिए, जंप स्टेटमेंट्स एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, इसका देखिए कंडीशन, ये भी सभी स्टेटमेंट्स में यूज होता है, चाहे व्हाइल हो, चाहे डू व्हाइल हो, चाहे फॉर लूप हो, चाहे फॉर ईच लूप हो, सभी में ये आपका एग्जीक्यूट करता, सभी के साथ रन करता है। तो कंडीशन विद इन द लूप जो भी होगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू ही तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को वहां से उसको कंटिन्यू कर देगा, और यदि फॉल्स हुई तो डायरेक्ट आपको प्रोग्राम के बाहर कर देगा। ठीक है, अब आइए देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो इसके प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट्स मान लीजिए मैं इसी के साथ यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास जहां मैं चाह रहा हूं कि ये फाइव ही था और मैं जस्ट इसके पास कंटिन्यू यूज किए दे रहा हूं। ठीक है, अब जब कंटिन्यू मैं यूज करूंगा मेरा लूप चलेगा कंटिन्यू, और देन इसके बाद हम उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे प्रिंट करेंगे। अभी क्या दिख रहा है तुम लोगों को? वन से फाइव तक दिख रहा है ना? यस सर। चलिए कोई बात, अब देखिए क्या दिख रहा है सर? अब टेन तक दिख रहा है। टेन तक दिख रहा है ना, तो काम मतलब निकला कंटिन्यू का सर। कंटिन्यू में सर आज मतलब जो प्रोग्राम मतलब स्टॉप था वो आगे एग्जीक्यूट हो गया है, तो कुछ स्किप हुआ है कि सब कुछ आ गया वन से टेन तक? सर फाइव, हाँ फाइव, क्योंकि तुमने कंडीशन कहाँ पे सेट किया है? फाइव पे कंडीशन सेट किया हो, तो फाइव इसमें नहीं है, है ना? यस सर। वन टू थ्री फोर
और 5 को स्किप किया है, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, बात समझ में आई? कंटिन्यू का मतलब, कंटिन्यू का मतलब ये है कि जहां पर वो ब्रेक कर रहा था 5 के बाद, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से मना कर रहा था, हमने कंटिन्यू उसकी जगह लगा दिया, तो जब कंटिन्यू लगा दिया तो उसने क्या किया, 5 को वहीं पर ब्रेक कर दिया, ठीक है कि भैया ठीक है तुम अपना ब्रेक किए रहो लेकिन मुझे आगे जाने दो, उसने 5 को स्किप किया और आगे के वैल्यू को उसको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है? यस सर। हाँ, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट? यस सर। नो सर। व्हाइल ड्यूअल के साथ कर लोगे ये बताना पड़ेगा, कंटिन्यू को सर कर लेंगे, कर लेंगे, चलिए। और किसी कोई प्रॉब्लम? फॉर ईच लूप, सॉरी सर, फॉर ईच लूप का एग्जांपल नहीं हुआ था? फॉर ईच लूप का मैंने बताया ना, फॉर जब भी मैं अरे जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अरे यूज करूंगा, अरे का मैंने कांसेप्ट पढ़ाया नहीं है तो कैसे आप समझ पाएंगे उसको, ठीक है? तो अरे इसके बाद जस्ट आज की क्लास चूंकि स्टेटमेंट से खत्म हो गया, तो अब या तो फंक्शन स्टार्ट करूंगा या तो अरे स्टार्ट करूंगा, दो में से देखूंगा सिलेबस में क्या है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो जब वहां आएंगे, पर क्योंकि यहाँ पर जो फारीच बनाया गया वो सिर्फ अरे के लिए ही बनाया गया, ठीक है? तो जैसे मैं अरे स्टार्ट करूंगा तो वहां पर फारीच का एग्जांपल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मींस कल तो आप लोगों की ऑफलाइन क्लास है, तो कल हम लोग कॉलेज में ही एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। यस सर।